अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर वेल। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 स्क्वायर रूट्स। पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में स्क्वायर रूट क्या है। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 इस चैप्टर की, फाइंड द स्क्वायर रूट्स। हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर 49/64, ये हमारे पास कोई नंबर है, इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर सॉल्यूशन। फोर्टी नाइन ओवर सिक्सटी फोर, यह हमारे पास न्यूमरेटर है, यह हमारे पास डिनोमिनेटर है। फाइंड आउट है स्क्वायर, हमें इस नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको क्या देंगे, ऊपर रूट की साइन देंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 49/64। इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग फोर्टी नाइन का रूट क्या निकलेगा, अंडर रेडिकल मीन्स ऐसा नंबर इसका स्क्वायर। सपोज 6 6 36, 7 7 49 मीन्स 7 7 times। और रूट के अंदर 7 का क्या पेयर है, पेयर को हम क्या लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकती हैं, 7 square एंड रूट कैंसिल हो गए, उसके बाद हमारे पास 7। सेकेंड में क्या हमारे पास डिनोमिनेटर 64, इसका रूट क्या निकलेगा, 64, उसके बाद ऊपर अंडर रेडिकल साइन। इसी तरह हम भी अलग करेंगे, 64 के पेयर निकालेंगे, 7 7 49, 8 8 64 मीन्स 8 × 8 का आंसर। उसके बाद इसको इस पेयर को रूट के बाहर लेके आएंगे, इसी तरह 2 रेडिकल कैंसिल इज इक्वल टू हमारे पास 8। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 square रेडिकल की साइन मिल गया 1/2, 2 2 भी कैंसिल, इसके ऊपर पावर क्या है 1 मीन्स 8। इसी तरह हमारे पास इसका रूट क्या निकला, 49 का 7 एंड 64 का 8, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंप्लीफाई नंबर 1, अंडर रेडिकल 1/24/25, या हमारे पास कोई वैल्यू है, इसको हम क्या फाइंड आउट करना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे भाई देखते हैं। सॉल्यूशन, क्या है हमारे पास, अंडर रेडिकल 1/24/25, हम इसको क्या करेंगे, पहले इसे होल को खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, ये 125 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से 24 ऐड करेंगे, 1 × 25 = 24 49 25 + 20, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो, 1 × 25 = 25 + 24 = 49, अपॉन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी 25। मेरा इसका अंडर रेडिकल आएगा, रूट फाइंड आउट करना आप इसको,
24 अपान 25, इसको इसी तरह लिख सकते हैं 49 अपान अंडर रेडिकल 25 इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है 49 इसके इसका रूट फाइंड आउट करना है कैसे 7 7 49 अपान ही इसकी क्या वैल्यू है 25 का क्या मिलेगा पेयर के अंदर 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर पढ़ चुके हैं, ये पेयर है और रूट के बाद सिंगल वैल्यू आ जाएगी 7, उसके बाद यहां पे भी 5 का पेयर है, 5 का पेयर है, रूट के बाहर आ गया सिंगल में 5 आ जाएगा। मीन्स 49 अपॉन 25 इसका रूट क्या निकला 7 अपॉन 5, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह हम कोई भी वैल्यू उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं एज इट सेम मेथड से।